आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज का हमारा पहला अपडेट सारस MK2 की तरफ से आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज सारस एयरक्राफ्ट बना रही है, जो कि एक सिविलियन लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा। उसके MK2 वेरिएंट के लिए टेंडर रिलीज किए जा चुके हैं। सारस MK2 एक 19 सीटर एयरक्राफ्ट होगा और इस एयरक्राफ्ट को लेकर NAL ने पूरी तैयारी कर ली है। इस एयरक्राफ्ट को लेकर प्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड की टेस्टिंग कर ली गई है और यहाँ से 4 साल के अंदर NAL की कोशिश होगी कि इस एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कराया जाए और वहाँ से 1.5 साल के अंदर पहला एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार करा जाए। वैसे इस एयरक्राफ्ट को लेकर जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट मोर ऑर लेस डॉनियर 228 ट्विन टर्बोप्रॉप यूटिलिटी एयरक्राफ्ट की ही तरह है और डॉनियर 228 HAL 1985 से कानपुर में बना रहा है। लेकिन अगर इस एयरक्राफ्ट को डॉनियर के साथ कंपेयर किया जाए तो इस एयरक्राफ्ट की स्पीड डॉनियर से ज्यादा होगी। साथ ही ये एयरक्राफ्ट डॉनियर से ज्यादा स्पेशियस होगा और ये एयरक्राफ्ट डॉनियर की तुलना में लंबी दूरी भी कवर कर सकेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट इंडिया और चाइना को लेकर आ रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना की तरफ से विंटर गियर्स खरीदे जा रहे हैं। साथ ही चाइनीज आर्मी अपने ट्रूप्स को रोटेट कर रही है, यानी कि जो ट्रूप्स बॉर्डर पर हैं उनको वापस बुला रही है और जो लोग रिजर्व में थे उनको बॉर्डर पर भेज रही है। इस चीज से एक बात समझ में आती है कि चाइनीज आर्मी इस समय बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। PLA विंटर वॉरफेयर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन CCP के प्रेशर के कारण PLA को अपने ट्रूप्स को रोटेट करना पड़ रहा है और जैसे तैसे करके इस इलाके में अपने आप को सस्टेन करना पड़ रहा है। बावजूद इसके PLA अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, वो अपनी एनक्रोचमेंट की कोशिश करते रहते हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से उन लोगों ने भूटान के कुछ एरिया के ऊपर फिर से एनक्रोचमेंट किया है। वहीं नेपाल के अंदर जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ नेपाल चाह के भी नहीं बोल सकती। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। ये अपडेट स्वार्म ड्रोन्स को लेकर आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्वार्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को पुश करने के लिए इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया है। माना जा रहा है कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जिसमें लो कॉस्ट ड्रोन्स को बहुत ज्यादा नंबर में यूज करके एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट कर दिया जाता है और केवल शेयर नंबर के कारण चाह के भी दुश्मन इस तरीके के अटैक से बच नहीं पाता। और क्योंकि इन ड्रोन्स की कीमत बहुत कम होती है, इस वजह से इनको बहुत ज्यादा नंबर में एक साथ दुश्मन के ऊपर भेजा जा सकता है। और क्योंकि इस तरीके के ड्रोन्स बहुत ज्यादा नंबर में एक साथ आते हैं, इस वजह से इस तरीके के सभी ड्रोन्स को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर इन ड्रोन्स में से एक या दो भी बच जाते हैं तो ये अपना मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि भारतीय सेना हारूप और हारपी ड्रोन्स पहले से यूज कर रही हैं और ये ड्रोन्स भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन ड्रोन स्वार्म्स लो कॉस्ट ड्रोन्स होते हैं, जिसके वजह से इनको बहुत ज्यादा नंबर में एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। इस समय भारत में 2 स्टार्टअप कंपनी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं और हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बाद में जरूर बनाएंगे। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट रोल्स रॉयस की तरफ से आ रहा है। ब्रिटिश एरो इंजन मेकर रोल्स रॉयस और भारतीय IT सेक्टर कंपनी इंफोसिस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत रोल्स रॉयस की कमर्शियल इंजीनियरिंग सेगमेंट में सोर्सिंग इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंफोसिस रोल्स रॉयस के साथ मिलकर काम करेगा। यहाँ पर 2 बातें समझने की हैं। पहली, ये किसी नए प्रोडक्ट को लेकर डेवलपमेंट की बात नहीं है और दूसरी, ये कमर्शियल सेगमेंट के लिए है, ये मिलिट्री जेट इंजन मेकिंग के लिए नहीं है। हालांकि अगर आने वाले समय में रोल्स रॉयस भारत में जेट इंजन बनाते हैं तो ये जो सिविल एरोस्पेस कैपेबिलिटीज हैं इनको एनहेंस करके मिलिट्री एरोस्पेस कैपेबिलिटी बनाया जा सकता है और इंफोसिस के पास जो एक्सपर्टाइज है ट्रांजिशन की, उसकी मदद से बहुत ही जल्द ये कमर्शियल सेगमेंट मिलिट्री सेगमेंट बन सकेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट आने वाले 26 जनवरी सेलिब्रेशन को लेकर है। 26 जनवरी सेलिब्रेशन के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आने वाले हैं और जब भी कोई स्टेट हेड इंडिया ट्रैवल करता है तो डिफेंस डील उनके एजेंडा में काफी ऊपर होती है और UK के साथ
पोटेंशियली बहुत सारी डील आने वाले समय में हो सकती हैं और इसी वजह से बोरिस जॉनसन का डेलीगेशन यूरोफाइटर टाइफून को MMRCA 2 में पुश करेगा। कोशिश होगी उनकी तरफ से कि भारत टेम्पेस्ट प्रोग्राम ज्वाइन करे और इन्हीं दोनों चीजों के बीच में रोल्स रॉयस का इंजन लपेट के भारत को पेश किया जाएगा। HMS क्वीन एलिजाबेथ को लेकर भी कोशिश की जा सकती है। UK ने पहले भी INS विशाल के लिए HMS क्वीन एलिजाबेथ का ऑफर दिया था, लेकिन इन सभी चीजों की डिटेल 26 जनवरी के बाद ही मिलेगी जब बोरिस जॉनसन इंडिया आएंगे और अपना पिटारा खोलेंगे। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।